बोले सपनों ने पंख यहाँ राहें चुने लगी आसमान सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में नाम कमाना मेरा एम्बिशन हर नागरिक को न्याय देना मेरा एम्बिशन है देश को शिक्षित करना मेरी मंजिल विज्ञान में नहीं खोज करना हमारी मंजिल देश का निर्माण मेरी मंजिल बेस्ट इंजीनियर बनना छात्र छात्राओं को उनके लक्ष्य तक पहुंचाना ही डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय का लक्ष्य छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आई। दरअसल रसूख का आरोप उन पर लगा है, उन्होंने सरकारी जमीन पर रिजॉर्ट बनाया है और इसी को लेकर कांग्रेस ने कई सवाल यहां पर खड़े किए। बहरहाल उनका यह कहना है कि अगर आरोप जो सिद्ध साबित कर दे तो वो कुछ और क्या कुछ का उन्होंने अपनी पीसी में, चलिए सुनता है। अब तुम लोगों ने मौका दे दिया तो आज जो चेतन सब पीछे खड़े हो जाओ या इधर आ जाओ चेतन। हमारा लड़का चलिए सब बहुत दिन बाद मेरे सरकारी आवास में आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित किया है, आप सब लोगों का स्वागत है। मैं जो बातें कह रहा हूं ये मेरा स्पष्टीकरण भी नहीं है, ये मेरी सफाई भी नहीं है, ये मेरा दावा है कि मेरे परिवार के द्वारा जो जमीन खरीदी गई है वो पूरी तरह पाक साफ और नियमों के तहत खरीदी गई है। जो राजस्व विभाग के 16 बिंदुओं का प्रमाणीकरण होता है वो प्रमाणीकरण के साथ खरीदी गई है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता, कोई गड़बड़ और मुझे इस बात का दुख है कि राजनीति में मैं हूं परंतु मेरे परिवार को घसीटा गया और जिन लोगों ने भी इस प्रकार की कोशिश की है उनको एक बार ये देख लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि कहीं पर भी हमारी तरफ से कोई अनियमितता हुई है क्या। और मैं आज भी इस बात को कि कोई भी पत्रकार, कोई भी इस देश में और दुनिया में कोई भी व्यक्ति कि एक पंच से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक के अगर किसी भी प्रकार के कोई प्रभाव का या अपने पद का दुरुपयोग मैंने किया है या किसी को कुछ कहा है इस संबंध में तो वो जिस दिन प्रमाणित कर देगा उस दिन मैं इस जमीन को या कोई इसमें गड़बड़ी हुई है, कोई गलती हुई है, मैं तो इसके लिए आह्वान करूंगा कि अगर हिन्दुस्तान में कोई एजेंसी नहीं हो तो कोई विश्व की एजेंसी हो तो उससे भी जांच करवाकर कि हमने कोई गलती की है इसको अगर प्रतिपादित कर देगा तो मैं जमीन गवर्नमेंट को सरेंडर कर दूंगा। मैं आप लोगों को कि आप लोगों को कॉपी भी वितरित कर रहे हैं, ये जो हमारी जमीन की रजिस्ट्री है उसकी कॉपी है, इसके साथ में जो 16 बिंदु होते हैं
उन 16 बिंदुओं में भूमि स्वामी की हैसियत, किस्तबंदी, खतौनी, खसरा, पटवारी नक्शा, सब चीजों में और भूमि स्वामी हक बताया गया है। ये विष्णु उर्फ श्यामलाल पिता इतवारी जाति तेली सामान्य रेट भूमि स्वामी। तो मेरी जानकारी में जो एक सामान्य व्यक्ति जिस प्रकार जमीन खरीदता है उस प्रकार से मेरे परिवार ने जमीन को खरीदा है। मुझे ये बात बड़ी आश्चर्यजनक लगती है कि एक 5 लाख रुपए की जमीन जिस जमीन को एक सामान्य व्यक्ति की हैसियत से पूरे नियम प्रक्रियाओं के तहत खरीदा गया और जिसको हमने इलेक्शन के डिक्लेरेशन में डिक्लेयर किया उसमें गड़बड़ी की बात कहां से आ गई, क्यों आ गई, कैसे आ गई। और ये मामला 2009 का है, 2016 में आखिर ये मुद्दा क्यों बना और इसको किसने बनाया। और इस भूमि को क्रय करने के पहले जो सर्च होता है, समाचार पत्रों में प्रकाशन होता है, वो सब पूरी प्रक्रिया पूरी की गई है और किसी भी विभाग ने किसी भी प्रकार की कोई इस जमीन को खरीदने के पहले या खरीदने के बाद इस जमीन से संबंधित किसी गड़बड़ी का कोई अगर नोटिस दिया हो तो जरा वो भी मुझे उपलब्ध करवा दें, मेरे परिवार को उपलब्ध करवा दें। और हम इस बात के ऊपर में भी विचार कर रहे हैं, मैं तो चाहूंगा कि इतनी उछली, इतनी गंदी और इतनी छिछली राजनीति अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जो लोग कर रहे हैं उनको भी अपने परिवार के बारे में चिंता करनी चाहिए। और आज मेरे 37 सालों के राजनीति में मैंने कभी भी कोई शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर गलत काम नहीं किया है। और मेरी जानकारी में यह भी है कि एक स्टोरी नहीं, इस प्रकार की 5-7 स्टोरी और आ सकती है, तो जरा उसको भी आप लोग केयर करने के पहले उसको देख लेंगे कि वास्तव में कहीं इसी प्रकार की फर्जी स्टोरी तो नहीं है। अगर कोई अनियमितता मैंने या मेरे परिवार ने नहीं की है तो इस स्टोरी का हेतु क्या है। जिन लोगों ने गड़बड़ की है उनके खिलाफ छपना चाहिए, जिनकी गलतियां हैं उनके खिलाफ छपना चाहिए। और कम से कम भगवान के लिए राजनीति में मैं हूं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा नहीं है और वो अपना अगर व्यवसाय करते हैं वो इनकम टैक्स पे ही हैं, तो उनको इसमें घसीटना और उन्होंने भी कोई अनियमितता की हो तो घसीटना, कोई पीछे का परिदृश्य क्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कोई अगर आप भी जमीन खरीदेंगे और आपके नाम से दर्ज है आप बेचेंगे तो जो 16 खतौनी होती है अगर वो प्रमाण मिल जाता है तो उसके बाद जमीन के लिए किसी कागजात की जरूरत नहीं पड़ती। बेचा है विष्णु साहू ने, नहीं कहीं इनकार नहीं किया। आप मैंने बहुत सारे बयान निकला के देखे हैं, उसके मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी हैं, उस रिपोर्ट्स में उसने स्पष्ट कहा है कि क्योंकि सरकार ने हमारा ध्यान नहीं दिया, हमको नौकरी नहीं दी, हमको बदले में जमीन नहीं दी, ये नाम पर नहीं चढ़ी और इसलिए हमको पैसे की जरूरत थी इसलिए हमने जमीन को बेचा है। ये शासन के कई लोगों ने इसके बयान लिए हैं और उन बयानों में इस बात का उल्लेख है। नहीं, आप मेरी जानकारी में पलट नहीं रहा है, पलटाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। हाँ हो सकता है, मैं देखो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहस नहीं होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत होती है, मैं प्रेम से बातचीत कर रहा हूँ। बातचीत देखिए, मेरा बहुत बहुत से लोग
प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, विरोध में बयान जारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जब तक किसी प्रकरण के बारे में बहुत तथ्यात्मक जानकारी नहीं हो, तब तक कम से कम एक ऐसा व्यक्ति जो 37 साल से राजनीति में बेदाग रहा है और उसके खिलाफ भी आरोप लगाने की बजाय उसके परिवार के खिलाफ आरोप लगाना, मुझे लगता है कि हमारे पारिवारिक जीवन में इस प्रकार की गतिविधियां अगर प्रारंभ हो जाएगी तो ये हम सबके लिए बहुत खतरनाक और दुखद पहलू हो जाएगा। और इसलिए मैंने कभी भी अपने राजनीतिक जीवन में कोई व्यक्तिगत मामलों में और बिलो द बेल्ट वार करना, इसको मैं राजनीति में परहेज समझता हूं कि बिलो द बेल्ट कभी वार नहीं होना चाहिए। एक सवाल है मनमोहन जी, अभी आपने बातों बातों में कहा है कि जो लोग ये इसका तात्पर्य क्या है, मुझे तात्पर्य की आवश्यकता नहीं, जो समझदार है वो समझ जाएंगे। हाँ बोलो। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब लोग जानते हैं। देखिए, जिस अगर सूत कपास होगा तो जुलाहों में लठम लट्ठा होगा, अगर आग होगी तो उसमें धुआं निकलेगी। अगर बिना आग के कोई धुआं निकालने की कोशिश कर रहा है, बिना सूत कपास के कोई लठम लट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, तो निश्चित रूप से षड्यंत्र है। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं, मैं 2009 की रजिस्ट्री की बात कर रहा हूं और मैं वहीं तक सीमित रहूंगा कि हमने जो कुछ किया है और वो हमने पूरी तरह कानूनी रूप से, न्यायिक रूप से, नियम के तहत सही किया है, उसके पीछे क्या है, उसके आगे क्या है, ये तो षड्यंत्रकारी लोग बता पाएंगे। मेरी जानकारी में जो एक सामान्य व्यक्ति जिस प्रकार के काम करता है, जिस प्रकार से रजिस्ट्री कराता है, और मैं आपको बता दूं कि मेरे को तो ये भी नहीं मालूम था कि मेरी पत्नी और बच्चे के नाम से जमीन नहीं है। मुद्दा उठने के बाद में, क्योंकि वो उनके इनकम टैक्स पे ही है और वो अपने जीवन भरण के लिए अपना काम करते हैं, तो इस बारे में मैं कभी बहुत ज्यादा जानकारी, और मुझे राजनीति में काम करने के कारण, व्यवस्थाओं के कारण, सब चीजों को मैं नहीं देखता हूं। ये तो क्योंकि मुझसे जोड़कर, और इसलिए मुझे इस बात का मैं दावा कर रहा हूं और आज भी मैं ये कहता हूं कि ये मेरा स्पष्टीकरण नहीं है, ये मेरी सफाई नहीं है, ये मेरा दावा है कि कोई भी हिंदुस्तान की और दुनिया की एजेंसी अगर जांच कर मुझे दोषी या मेरे परिवार को दोषी बताती है तो उस जमीन को मैं सरकार को सरेंडर कर दूंगा। सर, एक सवाल ये है कि आप कह रहे हैं ये दावा है, तो और दावा भी कर रहे हैं कि जमीन पाक साफ है, साजिश की, ये पूरे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें एक बात निकल कर आ रही है कि आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, ये सबको पता है। जैसा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का हाथ तो नहीं है इस साजिश के पीछे? मेरे उनसे बहुत मधुर रिश्ते हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे नेता हैं और मेरे उनसे बहुत मधुर रिश्ते हैं। आपकी पार्टी के लोग इसमें शामिल हैं या आपके विपक्षी दल? मुझे जो कहना है मैंने कह दिया है, परंतु मुझे इस बात को कि राजनीति में हम लोग अगर परिवार तक जाने लगेंगे और बिना किसी कारण के जाने लगेंगे, क्योंकि जिस समाचार पत्र ने भी मेरे परिवार के साथ में, और इसको बाद में सबको उसको मजबूरी के कारण ये करना पड़ा, तो मुझे लगता है इस प्रकार की, कम से कम हम सब अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए, उनकी इज्जत के लिए इस प्रकार के काम ना करें तो ज्यादा उचित होगा। मेरे से कहीं किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं मांगा गया, मुझे सरकार की किसी भी प्रकार से 2009 या उसके पहले या उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई इस जमीन के संबंध में कोई सरकारी पत्र नहीं आया, कोई कैफियत नहीं मांगी गई, कोई मेरे पास में जानकारी नहीं है और मैं सामान्यतः कभी इस प्रकार की चीजों में पड़ता भी नहीं हूं, क्योंकि मैं राजस्व मंत्री भी रहा हूं और उस जमाने में जब मेरे ऊपर कोई इलिगेशन नहीं लगे तो आज तो इसकी कल्पना करना भी बेकार है। आप एक मंत्री हैं, काफी लंबे समय से आप राजनीति कर रहे हैं, ऐसे में एक फर्जी तरीके से मानता हूं कि किसान ने कोई फर्जी तरीके से जमीन नहीं बेची है, किसान के नाम पर खाते में दर्ज है 16 नंबर खसरे का, यह प्रमाण पत्र है जिसमें उसको दिया गया है कि वो मालिकाना हक है,
तो किसान ने कोई गलती नहीं की है। किसान ने अपने बयान में कहा है कि मेरी जमीन में नामांतरण विभागों ने अपना नाम नहीं चढ़वाया और नाम नहीं चढ़वाने के कारण मुझे कोई नौकरी नहीं दी, मुझे बदले में जमीन नहीं दी और उसके कारण मैंने इस जमीन को अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बेचा है। जब इसकी शिकायत हुई और जांच हुई, उस जांच में उस किसान ने यह बयान दिया है और ये सरकारी रिकॉर्ड में ये बयान है। देखिए, मुझे लगता है किसी भी एक सामान्य और साधारण आदमी से अगर बार बार उसके पास में लोग पहुंचेंगे तो वो भी विचलित होता है। और फिर देखिए, मैं आपको बता दूं कि फिर जो लोग षड्यंत्रकारी हैं वो भी वहां तक पहुंचकर उसको समझाने की कोशिश करते, तुम ऐसा बोलो, तुम ऐसा बोलो, तुम ऐसा बोलो। उसने सामान्य परिस्थिति में जो बयान दिया उसको हमको मानना चाहिए। नहीं, देखिए आप, मैं तो ये नहीं चाहता, जो बयान उसने लिखित में दिया है और सरकारी रिकॉर्ड्स में है, उसके दस्तखत हैं, मैं उसको मानता हूं। अब ये जमीन खरीदने के बाद में ये ऋण पुस्तिका मेरी पत्नी के नाम से जारी हुई है, उसकी कॉपी है, तहसीलदार ने इसको प्रमाणित किया है। जमीन की बिक्री पहले महीने में हुई है और जमीन की नामांतरण छठवें महीने में हुआ है। निश्चित रूप से हम कानूनी सलाह ले रहे हैं और कानूनी सलाह लेकर हम कार्रवाई करेंगे। आपने अभी कहा कि परिवार को नहीं जोड़ना चाहिए, राजनीति में परिवार की सुरक्षा के लिए परिवार को नहीं जोड़ना चाहिए। देखिए, अगर मैंने राजनीतिक पद का दुरुपयोग अपने परिवार के लिए किया है तो उसमें कहीं कोई छोड़ने की या बचाने की बात नहीं है। पूरे एपिसोड में कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि ब्रिजमोहन ने गलत किया, ब्रिजमोहन ने कानून का उल्लंघन किया, ब्रिजमोहन ने नियम का उल्लंघन किया, ब्रिजमोहन ने अपने पद का दुरुपयोग किया। मैं आज भी इस बात को कि एक पटवारी से लेकर एक पंच से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक ये कह दे कि इस मामले में मैंने किसी प्रकार से किसी से बात की है, मैं तो जानता भी नहीं हूं विष्णु साहू कौन है, मैं कभी मिला भी नहीं हूं। तो अगर कोई ये प्रमाणित कर दे कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार का उपयोग दुरुपयोग किया है और ये रजिस्ट्री गलत है तो मैं उस जमीन को सरकार को सरेंडर करने के लिए तैयार हूं। कोई आए तो सामने। अब ये राजनीति है। आगे आगे देखिए होता है क्या। रिपोर्ट नहीं आई, मैं भी आपको कागज दे रहा हूँ। जो 16 खसरे राजस्व विभाग के द्वारा जमीन खरीदी के पहले 16 कालम का एक फॉर्म भरा जाता है, उस फॉर्म में वो सर्च रिपोर्ट होती है, उसमें उसका मालिकाना हक लिखा हुआ है। उसने लिखा, आप, मैं आपको बता दूं, क्या भूमि शासकीय पट्टे की है या नहीं, यदि है तो कब से पट्टे की है, नहीं है, भूमि सिंचित है या असिंचित, असिंचित है, कौन सी फसल बोई जाती है, परत भूमि है, भूमि एक फसली है या दो फसली, एक फसली है, मिसल बंदोबस्त के अनुसार भूमि का वर्गीकरण क्या है, मटासी है, ग्राम स्थल से दूरी लगभग कितनी है, आधा किलोमीटर है।